तो आज ज्ञान की दुकान में आज फिर दोबारा से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी जो गूगल प्ले स्टोर के बारे में है। तो गूगल प्ले स्टोर के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपने कभी देखा भी नहीं होगा इतना गौर से, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स यही करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड किया और बंद कर दिया। तो मैं उस प्ले स्टोर के बारे में ये चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ आप नहीं जानते हैं प्ले स्टोर की कुछ फीचर्स के बारे में। तो जो प्ले स्टोर के ऊपर चलते हैं मोबाइल में, ये प्ले स्टोर है हमारा, तो इस प्ले स्टोर को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद, प्ले स्टोर ऑन होने के बाद इस तरह कुछ खुलेगा। ये हमारा लैंडस्केप में है इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लैंडस्केप में आप पोर्ट्रेट में ऐसे इस तरह देख सकते हैं, इस तरह हमारा पोर्ट्रेट में दिखाई देते हैं कि प्ले स्टोर में कैसे खुलेगा। तो मैं इसकी खासियत जो बताने वाला हूँ, आप देखिए खासियत ये है कि आप इसी पर जाकर आप अपना जो भी ऐप है वो मतलब सर्च करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं, अदरवाइज़ और कुछ देखते नहीं हैं। जो आप प्ले स्टोर पर देखते हैं, जैसे कि मैं ये बताने वाला हूँ अभी, नॉर्मली टॉप चार्ट में मतलब कितने टॉप चार्ट हैं जो मैंने मतलब प्ले स्टोर पे से डाउनलोड होते हैं, जो देखे जाते हैं या डाउनलोड होते हैं या जो भी हैं, ये इस टाइप से आप अपनी कलेक्शन देख सकते हो प्ले स्टोर के। आप चिल्ड्रन से रिलेटेड देख सकते हैं, इवेंट से रिलेटेड देख सकते हैं, प्रीमियम से रिलेटेड देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जिस कैटेगरीज में आपको चाहिए। और आप जो बताने जा रहा हूँ ये ऐप के बारे में, ये ऐप इस टाइप से आएंगी और ये जितनी भी सजेस्ट ऐप हैं ये आपका उस हिसाब से है जो आपको सजेस्ट करती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मैंने कुछ दिन पहले लोन के बारे में ज़्यादा सर्च किया था, इस वजह से लोन से रिलेटेड ये लोन और फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड हमें ऐप दिखनी शो हो रही है यहाँ पर। तो ये आपका रिकमेंडेड फॉर यू, वो गूगल प्ले स्टोर आपको रिकमेंडेड करता है इन चीज़ों में भी कि इसमें भी आपकी रुचि है, बट वो खुद से रिकमेंडेड कर रहा है। ठीक, और जैसे ये काइनमास्टर जैसा है वीडियो एडिटर के लिए, ठीक, क्योंकि यूट्यूब में ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वीडियो एडिटिंग के लिए, इसके बारे में भी कहोगे तो वीडियो मैं बना दूँगा। ठीक, और प्ले स्टोर का तीसरी जो खासियत है ये ऑफ़र, ऑफ़र में वो सारे गेम से रिलेटेड, जैसे कि कुछ टूल्स खरीदने होते हैं गेम में बच्चों के लिए, मतलब बच्चे खुद खरीदते हैं, जैसे फ्री फायर में बहुत सारे टूल खरीदने होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ ऑफ़र्स दिए जाते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर की तरफ से, गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। और जैसे कि हमारे इतिहास वगैरह की बुक्स हैं या सब्जेक्ट रिलेटेड हैं या और भी चीज़ें बहुत सारी बुक्स हैं, उनको भी हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और ख़ास बात इसमें बुक्स से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, बुक्स ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी बदल देती है पढ़ने से और ज़िंदगी को और निखार देती है। तो ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं हर टाइप की, सामान्य ज्ञान वगैरह, GK सामान्य ज्ञान वगैरह, और ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस भी दिखाता है। जैसे कि ये स्पीकिंग स्टेफन हॉकिंग स्टेफन हॉकिंग की जो सेलिब्रिटी बायोग्राफिक्स ये बुक्स है वो 193 में पहले मिल रही थी प्ले स्टोर से, अब डिस्काउंटेड प्राइस है 135.110, मतलब 135 रुपये 10 पैसे में। यहाँ मेन बात क्या है, इस पर आपका कुकू FM की तरह ऑडियो बुक्स भी मिल सकती है और हमारे ट्रेडिशनल जो भागवत गीता से रिलेटेड जितने भी कस्टमर्स हैं वो अपना प्ले स्टोर से इजीली अपने फ़ोन पर एक ऑडियो बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भागवत गीता के अलग अलग चैप्टर हैं, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से वो ऑडियो बुक्स परचेज कर सकते हैं इधर से, मात्र 5 रुपये में एक चैप्टर का भागवत गीता से रिलेटेड
बुक्स परचेज कर सकते हैं। ठीक, और टॉप सेलिंग बुक्स है वो उसके डिस्काउंटेड प्राइस क्या चल रहे हैं वो भी बता देंगे, जिनकी रेटिंग है रेटिंग भी बता सकते हैं, और इसमें आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप परचेज कर लीजिए, ये फ्री सैंपल के तौर पे भी मिल जाएगी। तो ये आपकी चार गूगल प्ले स्टोर की खासियत थी जो आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, और आपको इस जानकारी से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जो कि सबसे पहले आपको मिल जाए, और शेयर कीजिए और दोस्तों के को जो कहते हैं उन्हें पता चले प्ले स्टोर क्या क्या सर्विस देता है। धन्यवाद।